हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग फाइन एंड वेलकम टू माय चैनल द टेबल डिलाइट्स। तो आज मैं बना रही हूँ कॉर्न पकोड़ास। कुछ साल पहले मैंने ये पकोड़े इस लोनावाला के टाइगर पॉइंट पे ट्राई किए थे एंड तब से आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ास। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मकाई दाना, ये उबाले हुए नहीं है, बेसन, चावल का आटा, हल्दी, नमक, बेकिंग सोडा और कटी हुई हरी मिर्च। थोड़े मकाई दाना को मैं हाथ से क्रश कर रही हूँ, आप चाहो तो मिक्सर का यूज़ कर सकते हो। तो एक मिक्सिंग बाउल में हम सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे सिवाय बेकिंग सोडा। चावल का आटा आप हर पकौड़े की रेसिपी में यूज़ कीजिए ताकि वो क्रिस्पी बने। ये बैटर हमें थिक रखना है तो पानी सिर्फ एक चम्मच ऐड कर रही हूँ। एक साइड तेल गरम हो रहा है और मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग सोडा। ये बैटर इतना थिक है कि हल्का सा राउंड शेप फॉर्म हो रहा है। पकोड़े को धीमी आंच पे फ्राई करें। पकोड़े फ्राई होकर रेडी है और उस पर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। बारिश के मौसम में आप इसे ज़रूर बनाएं और आपका फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।